subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार जी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति जी, संसद के मेरे सहयोगी गण, विधायक गण, अन्य महानुभाव, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। साथियों, आज एम्स जज्जर में कैंसर का इलाज कराने आने वाली मरीजों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाए ये विश्राम सदन मरीजों और उनके रिश्तेदारों की चिंता कम करेगा। कैंसर जैसी बीमारी में इलाज के लिए मरीज और उसके रिश्तेदारों को बार बार अस्पताल जाना आना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर से सलाह, कभी कोई जांच, कभी रेडियोथेरेपी, कभी कीमोथेरेपी, ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उन्हें ये होती है कि रुके कहां, ठहरे कहां। हम नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आने वाले मरीजों की ये तकलीफ काफी कम हो जाएगी। खासतौर पर हरियाणा के लोग, दिल्ली और आसपास के लोग, उत्तराखंड के लोग, इन सबको इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था सबका प्रयास, ये सबका प्रयास की जो बात कही थी, कोई भी सेक्टर हो, जैसे ही उसमें सामूहिक शक्ति जुटती है, सबका प्रयास नजर आने लगता है, तो परिवर्तन की गति भी बढ़ जाती है। 10 मंजिला ये विश्राम सदन भी सबके प्रयास से इस कोरोना काल में बनकर तैयार हुआ है। और ये भी विशेष है, इस विश्राम सदन में देश की सरकार और कॉरपोरेट वर्ल्ड दोनों की साझा शक्ति लगी है। इन्फोसिस फाउंडेशन ने विश्राम सदन की इमारत बनवाई है,
तो वहीं इसके लिए जमीन देने और बिजली पानी का खर्च एम्स जर्जर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मैं एम्स प्रबंधक और सुधा मूर्ति जी की टीम का इस सेवा कार्य के लिए आभार व्यक्त करता हूं। सुधा जी का व्यक्तित्व जितना विनम्र है, सहज सरल है, उतनी ही वो गरीबों के प्रति करुणा से भरी हुई है। नर सेवा को नारायण सेवा मानने वाले उनके विचार, उनके कार्य हर किसी को प्रेरित करते हैं। इस विश्राम सदन में उन्होंने सहयोग के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। साथियों, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर ने, प्राइवेट सेक्टर ने, सामाजिक संगठनों ने निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। आयुष्मान भारत, पीएम जय भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस योजना के तहत 2.25 करोड़ से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है और ये इलाज सरकारी के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान योजना से जो देश के हजारों अस्पताल जुड़े हैं उनमें से लगभग 10,000 प्राइवेट सेक्टर के ही हैं। साथियों, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच यही साझेदारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन के अभूतपूर्व विस्तार में भी काम आ रही है। आज जब हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बहुत अहम है। इसी भागीदारी को बल देने के लिए मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस में बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन होने के बाद भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलना और आसान हुआ है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, दान दिए धन ना घटे, नदी ना घटे नीर, यानी दान करने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है। इसलिए जितनी सेवा करेंगे, दान करेंगे, उतनी ही संपत्ति बढ़ेगी। यानी एक तरह से हम जो दान देते हैं, सेवा करते हैं, वो हमारी ही प्रगति को व्यापक बनाती है। मुझे विश्वास है आज हरियाणा के जज्जर में विश्राम सदन का निर्माण एक विश्वास सदन के रूप में भी उभर रहा है। ये विश्राम सदन विश्वास सदन का भी काम करता है। देश के अन्य लोगों को भी ऐसे ही और भी विश्राम सदन बनाने की प्रेरणा देगा। केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी प्रयास कर रही है कि देश में जितने भी एम्स हो, जितने नए एम्स बन रहे हो, वहां पर नाइट शेल्टर्स जरूर बने। साथियों, अपनी बीमारी से परेशान मरीज और मरीज के रिश्तेदारों को थोड़ी सी भी सहूलियत मिल जाती है तो बीमारी से लड़ने का उनका हौसला भी बढ़ जाता है। ये सहूलियत देना भी एक तरह से सेवा ही है। जब मरीज को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज मिलता है तो वो उसकी सेवा होती है। ये सेवा भाव ही है जिसकी वजह से हमारी सरकार ने कैंसर की लगभग 400 दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाए। ये सेवा भाव ही है जिसकी वजह से गरीबों को जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती, बहुत मामूली कीमत में दवाएं दी जा रही है और मध्यम वर्ग के परिवार जिनके घर में कभी साल भर दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ऐसे परिवारों को तो साल में 10-12-15 हजार रुपये की बचत हो रही है।
अस्पतालों में हर प्रकार की जरूरी सुविधाएं मिले, अपार्टमेंट सरल और सुविधाजनक हो, अपॉइंटमेंट में कोई कठिनाई ना हो, इस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मुझे संतोष है कि आज भारत में इंफोसिस फाउंडेशन जैसे अनेक संस्थान सेवा परमो धर्मः के इसी सेवा भाव से गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनका जीवन आसान बना रहे हैं। और जैसा अभी सुधा जी ने बड़े विस्तार से पत्रम पुष्पम की बात कही, और मैं समझता हूं सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि जीवन में जब भी जहां कोई न कोई पुष्प सेवा के भाव से समर्पित करने का अवसर मिले, हमने कभी भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में एक सशक्त हेल्थ केयर सिस्टम विकसित करने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव गांव तक फैले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ई संजीवनी द्वारा टेलीमेडिसिन की सुविधा, हेल्थ सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नए मेडिकल संस्थानों का निर्माण, देश के कोने कोने में इससे जुड़ा काम चल रहा है। ये संकल्प निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, लेकिन अगर समाज और सरकार की पूरी ताकत लगेगी तो हम लक्ष्य को बहुत जल्द ही हासिल कर पाएंगे। आपको ध्यान होगा, कुछ समय पहले एक इनोवेटिव पहल हुई थी, सेल्फ फॉर सोसाइटी। इससे जुड़कर हजारों संस्थान और लाखों लोग समाज के हित में अपना योगदान दे रहे हैं। भविष्य में हमें अपने प्रयासों को और संगठित तरीके से आगे बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, जागरूकता बढ़ानी है। आजादी के अमृत काल में एक हेल्दी और वेल्दी फ्यूचर के लिए हम सभी को मिलकर काम करते रहना होगा, और ये सबके प्रयास से ही होगा, समाज की सामूहिक शक्ति से ही होगा। मैं एक बार फिर सुधा जी, इंफोसिस फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए, मैं आज जब हरियाणा की धरती के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं जरूर कुछ और भी बात बताना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे हरियाणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जीवन का एक लंबा कालखंड मुझे हरियाणा में काम करने का मौका मिला है। मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है, और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं आज फिर मनोहर लाल जी को सार्वजनिक रूप से
बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।